हेलो फ्रेंड्स दिस इज दानिश शेर और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैकेनिकल टेक हिंदी में जिसमें मैं आपके लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड टॉपिक्स चाहे वो ऑटोमोबाइल से हो एमडी से हो एच से हो प्रोडक्शन से हो इन सारे टॉपिक्स से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाऊंगा तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं आज हमारा टॉपिक है हाउ अ फोर स्ट्रोक इंजन वर्क सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि फोर स्ट्रोक इंजन होता क्या है अ फोर स्ट्रोक इंजन इज अ इंटरनल कमर्शन इंजन इन विच द पिस्टन कम्पलीट फोर डिफरेंट स्ट्रोक्स इनटेक कंप्रेशन पावर एंड एग्जॉस्ट ड्यूरिंग टू सेपरेट रेवोल्यूशन ऑफ द इंजन क्रैंक साफ्ट एंड वन सिंगल थर्मोडाइनमिक साइकिल तो चलिए फ्रेंड्स अब जान लेते हैं कि इंटरनल पार्ट्स क्या क्या होते हैं फोर स्ट्रोक इंजन में सबसे पहले होता है एक क्रैंक साफ्ट पिस्टन रॉड क्रैंक साफ्ट से अटैच होता है देन पिस्टन पिस्टन डॉट अटैच होता है जैसे ही क्रैंक साफ्ट का रेवोल्यूशन होता है पिस्टन अप एंड डाउन मूव करता है एट द टॉप ऑफ द क्रैंक साफ्ट एक कैम साफ्ट होता है कैम साफ्ट क्रैंक साफ्ट से बेल्ट के थ्रू अटैच होता है तो जैसे क्रैंक साफ्ट का रेवोल्यूशन से पिस्टन अप एंड डाउन होता है हमारे कैम साफ्ट के रेवोल्यूशन से इनलेट एंड आउटलेट वॉल्व है वो ओपन एंड क्लोज होते हैं इनलेट वॉल्व एंड आउटलेट वॉल्व के बीच में एक स्पार्क प्लग होता है तो चलिए आइए देखते हैं कि साइकिल ऑफ ऑपरेशन कैसे होता है सबसे पहले होता है इनटेक स्ट्रोक ओके तो इनटे स्ट्रोक में यह होता है कि जो इनलेट वॉल्व होता है वो ओपन होता है और एयर फ्यूल का मिक्सचर इनटे वॉल्व के थ्रू इनलेट होता है जैसे ही हमारा पिस्टन नीचे की तरफ मूव करता है देन हमारा होता है कंप्रेशन स्ट्रोक ओके कंप्रेशन स्ट्रोक में जो इनलेट वॉल्व है वो क्लोज होता है हमारा पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करता, करता है और एयर फ्यूल के मिक्सचर को कंप्रेस करता है जस्ट बिफोर द पिस्टन रिचेज द टॉप ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक जो स्पार्क प्लग होता है वो एक स्पार्क एमिट करता है जो कि एयर फ्यूल के मिक्सचर को कंबस्ट करता है देन फ्रेंड्स थर्ड होता है हमारा कम्बस्टन स्ट्रोक इसमें यह होता है कि जो एयर का मिक्सचर जो कि कम्बस्ट हुआ है उससे एक प्रेशर वेव जनरेट होता है जो कि हमारे पिस्टन को नीचे की तरफ मूव कराता है और जो इंजन का पावर होता है वो इसी साइकिल से ड्राइव होता है और आखिरी स्ट्रोक होता है वो होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक इस स्ट्रोक में यह होता है कि जो हमारा एग्जॉस्ट वॉल्व है वो ओपन होता है पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करता है और एग्जॉस्ट गैसेस को एग्जॉस्ट वॉल्व के थ्रू एक्सपेल करता है एट द टॉप ऑफ द स्ट्रोक जो एग्जॉस्ट वॉल्व है वो क्लोज हो जाता है तो ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है ये रिपीटेड होता है ये बार बार होते रहता है और जो मैंने आपको प्रोसेस बताया है वो साइकिल ऑफ ऑपरेशन है किसी एक सिलेंडर का किसी एक फोर स्ट्रोक इंजन का जनरली इंजन में दो या उससे ज़्यादा सिलेंडर होते हैं टू प्रोड्यूस इंजन पावर तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें कमेंट करें सेंटर में आपको मैकेनिकल टेक हिंदी का एक लोगो दिखाई दे रहा होगा आप उस लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर करें मैं इस तरह के बहुत सारे वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा तो फ्रेंड्स थैंक यू गुड बाय